गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडे वी विल डिस्कस मेनली फोर इशू। द फर्स्ट इशू इज सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब्स। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट करंट रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर इम्यूनिटी गिवन टू लेजिस्लेचर्स। द सेकेंड इशू इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट स्टेज 1, 2, and 3 of India's nuclear program. Third issue is a vaccine that prevents 6 cancers. In this article, we will discuss about HPV vaccination for treatment of cervical cancer. The fourth issue is World Trade Organization continue to struggle to foster free and fair trade. In this article, we will discuss about 13th Ministerial Conference of WTO. So let's discuss first issue. सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेचर्स टेकिंग ब्राइब्स। व्हाई इन न्यूज। इन अ लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑन 4th March रूल्ड दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट क्लेम एनी इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स टू कास्ट ए वोट और मेक अ स्पीच इन द हाउस। अभी सुप्रीम कोर्ट का 4 मार्च यानी कल लैंडमार्क जजमेंट आया है। उस जजमेंट में कहा गया है कि कोई भी MLA या MP अगर ब्राइब लेकर के, इट मीन्स रिश्वत लेकर के अगर वोटिंग करता है या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी स्पीच देता है ब्राइब के बाद, यानी ब्राइब्स लेकर के अगर कोई भी स्पीचिंग करता है या किसी अदर कैंडिडेट के फेवर में अगर वोटिंग करता है, तो ये एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का पार्ट होगा। इट मीन्स इससे पहले यहाँ पर MLA और MPs के लिए छूट थी कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, स्पेशली वोट या फिर हाउस के अंदर स्पीच के मामले में। बट अब कोर्ट ने कहा है कि अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। आर्टिकल 105(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर ऑन MPs इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट और एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में मेंशन किया गया है कि कोई भी MP पार्लियामेंट के अंदर किसी भी पार्लियामेंट कमेटी को वोट करता है या कुछ भी कहता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली आर्टिकल 194 ग्रांट प्रोडक्शन टू MLA। सेम इसी तरह से ये जो प्रोडक्शन है वो MLAs को दिए हुए हैं आर्टिकल 194 के अंदर। A seven judge constitution bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud unanimously overruled its 1998 judgment in P.V. Narasimha Rao versus State and opened the door for law enforcement agencies to initiate a prosecution against legislatures in bribery case under the Prevention of Corruption Act 1988 Act। अभी जो ये जजमेंट आया था इसमें 7 जजेज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ भी इंक्लूड थे। इन्होंने अनएनिमसली तरीके से 1998 का जो जजमेंट था पीवी नरसिम्हा वर्सेस स्टेट का जो जजमेंट था उसको ओवररूल किया है। यानी उस जजमेंट में MPs और MLAs को कुछ छूट दे रखी थी पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेचर के अंदर स्पीकिंग कुछ भी वो कर सकते थे और किसी के भी अगेंस्ट या किसी के भी फेवर में अपनी चॉइस से वो वोटिंग कर सकते थे ब्राइब लेकर भी। लेकिन अब इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया है और इस तरह से कोई भी MLA या MP अगर इस तरह का कोई भी एक्ट करता है, इट मीन्स ब्राइब लेकर के अगर वोट को किसी अदर पर्सन को दिया जाता है या फिर वो ब्राइब लेकर के कोई भी स्पीचिंग की जाती है तो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगा और ये जो होगा ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। व्हाट वाज द केस, केस क्या था? अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूल आया है उसमें मेन केस क्या था? सीता सोरेन अ मेंबर ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के ये एक मेंबर थे वॉज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग अ ब्राइब टू कास्ट हर वोट इन फेवर ऑफ अ सर्टेन कैंडिडेट इन राज्यसभा इलेक्शंस ऑफ 2012। सीता सोरेन जो कि JMM के एक मेंबर रहे हैं, इन्होंने 2012 में राज्यसभा इलेक्शन में एक सर्टेन कैंडिडेट के फेवर में वोट करने के लिए ब्राइब एक्सेप्ट किया था। इट मीन्स इन्होंने रिश्वत ली थी। सुन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइल अ चार्जशीट अगेंस्ट हर। उसके बाद
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया था। इन 2014 द झारखंड हाई कोर्ट डिसमिस मिसिस सोरेंस प्लियर सीकिंग क्वेशिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हर। मिसिस सीता सोरेन जो है ये हाई कोर्ट के अंदर जाती हैं और वहाँ पर कहती हैं कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 194 के अंदर एक इम्यूनिटी मिली हुई है और मेरे अगेंस्ट कोई भी इस तरह का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। 2014 में कोर्ट ने सीता सोरेन की इस जो प्ली थी उसको डिसमिस कर दिया और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने के लिए ऑर्डर दिया। द डिसमिसल इन हाई कोर्ट लीड टू एन अपील बीइंग फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्योंकि उनका जो प्ली था उसको डिसमिस कर दिया था, उसके बाद सीता सोरेन जो वो सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर अपीलेट स्टार्ट होता है। ऑन सितंबर 23, 2014 अ टू जज बेंच रेफर्ड द मैटर टू अ थ्री जज बेंच। 2014 में टू जज बेंच ने इस मैटर को थ्री जज बेंच को रेफर किया था। इन मार्च 2019 द थ्री जजेज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई नोटेड दैट द डिसीजन इन पीवी नरसिम्हा राव डील डायरेक्टली विद द केस। मार्च 2019 में थ्री जज हेडेड बाय सीजेआई यानी इसमें फोर जजेस थे टोटल जिसमें सीजेआई रंजन गोगोई थे उस टाइम पर, उन्होंने ये डिसीजन उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव केस के अंदर जो डिसीजन आया था कोर्ट का उस डिसीजन के साथ इस केस का सीधा लिंक है। इट मीन्स ये दोनों इंसिडेंट सेम है जो 1998 के अंदर नरसिम्हा राव के साथ जो ये केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेम टू सेम इसी टाइप का केस था। कंसीडिंग दैट द केस हैज हैड बीन डिसाइडेड बाय अ नैरो मार्जिन इट वॉज रेफर टू अ लार्जर बेंच अंडर स्कोरिंग दैट द इशू वॉज सब्सटेंशियल एंड ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस। उस टाइम पर यह देखा गया था कि जो भी डिसीजन आया था 1998 का ये एक नैरो मार्जिन था इसके अंदर और इसको एक लार्जर बेंच को भेजा गया ताकि इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया सके और सब्सटेंशियल एंड जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस वाला ये एक इशू था जिस पर बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कस की जरूरत थी कोर्ट के अंदर। इवेंचुअली ऑन सितंबर 20, 2023 अ फाइव जज बेंच हेडेड बाय सीजे चंद्रचूड़ डाउटेड द करेक्टनेस ऑफ मेजोरिटी व्यू इन पीवी नरसिम्हा एंड अकॉर्डिंगली रेफर्ड द मैटर टू अ सेवन जज बेंच। सितंबर 20, 2023 यानी लास्ट ईयर का जो सितंबर मंथ था वहाँ पर फाइव जजेज बेंच जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी थे, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेजोरिटी का व्यू आया था पीवी नरसिम्हा राव केस में 1998 के अंदर उसका जो करेक्टनेस है वो डाउटफुल था इनके लिए और इसीलिए इन्होंने ये जो केस था सेवन जजेज बेंच को इन्होंने रेफर किया था जो कि अब डिसीजन आया है। वट वॉज द 1998 रूलिंग दैट वॉज बींग रिकन्सिडर्ड। 1998 का रूलिंग क्या था? द पी वी नरसिम्हा राव रूलिंग इन्वॉल्व द 1993 जे एम एम ब्राइबरी केस अगेंस्ट जे एम एम चीफ एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शिबू सोरेन द फादर इन लॉ ऑफ सीता सोरेन द पिटिशनर इन द प्रेजेंट केस। पी वी नरसिम्हा राव का जो ये रूलिंग था 1993 का ब्राइबरी केस से रिलेटेड, ये जे एम चीफ और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शिबू सोरेन के अगेंस्ट था ये केस। इस शिबू सोरेन जो थे ये सीता सोरेन के फादर इन लॉ थे जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर हैं। मिस्टर सोरेन अलोंग विद सम ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स वर एक्यूज ऑफ टेकिंग ब्राइब्स टू वोट अगेंस्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द देन ए पी वी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। मिस्टर सोरेन और उनकी पार्टी के कुछ अदर मेंबर पर ये चार्ज लगाए गए थे कि उन्होंने कुछ ब्रेब्स लिए हैं ताकि वो पी वी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट कर सकें। इन द ईयर 1998 अ फाइव जज सुप्रीम कोर्ट बेंच इन जे एम एम ब्राइबरी केस ग्रांटेड एम पी एम एल ए इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग ब्रेब्स टू मेक अ स्पीच और वोट इन लेजिस्लेचर। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के फाइव जज बेंच की तरफ से ये रूल किया जाता है, ऑर्डर आता है कि एमपी और एमएलएच को प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिली हुई है और उनके अगेंस्ट कोई भी
कार्रवाई नहीं की जा सकती। इट हेल्ड दैट पार्लियामेंटेरियन हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एनी स्पीच मेड एंड वोट कास्ट इनसाइड द हाउस अंडर आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने उस टाइम पर कहा कि ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट एमएलए एमपी को जो इम्यूनिटी मिली हुई है पार्लियामेंट के अंदर कोई भी स्पीचिंग के लिए या फिर वोट कास्टिंग करने से रिलेटेड जो ये इम्यूनिटी मिली हुई है ये आर्टिकल 105 और 194 के अंदर ये मिला हुआ है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2012 द फॉर्मर झारखंड सीएम डॉटर इन लॉ अजय एमएलए फ्रॉम जामा फाउंड हरसेल्फ फाइटिंग सिमिलर चार्जेज। इसी टाइप के कुछ चार्जेज 2012 में फॉर्मर झारखंड सीएम की जो डॉटर इन लॉ थी उसके अगेंस्ट भी इस टाइप के कुछ चार्जेस देखने को मिले हैं। द स्टेटस ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम बाय ए न्यूज। ऑन मार्च 4 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विटनेस द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर लोडिंग द इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एट द मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इन कलपक्कम तमिलनाडु। तमिलनाडु के कलपक्कम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के अंदर इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर का जो प्रोसेस है रिएक्टर का लगाने का जो प्रोसेस है ये 4 मार्च को नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये हमारे इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके स्टेज सेकेंड को बूस्ट करने का काम करेगा। अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिज ऑफिस कॉल्ड द ओकेजन अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है उसके लिए ये एक माइलस्टोन का काम करेगा। व्हाट इज पीएफबीआर? द पीएफबीआर इज ए मशीन दैट प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम। पीएफबीआर एक मशीन है जो कि कंज्यूमिंग से ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। इट मीन्स इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत कम होगा और आउटपुट ये ज़्यादा देगी। इट्स कोर लोडिंग इवेंट इज बीइंग हेल्ड एज अ माइलस्टोन बिकॉज द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द पीएफबीआर विल मार्क द स्टार्ट ऑफ स्टेज सेकेंड ऑफ इंडिया थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इंडिया के थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है उसमें सेकेंड स्टेज को पीएफबीआर बूस्ट करेगा। इट मीन्स इसके ऑपरेशन से स्टेज सेकेंड को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। व्हाट इज स्टेज 1, 2, 3 ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का जो ये न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसके स्टेज 1, 2, 3 क्या है। होमी जहांगीर बाबा डिजाइन द थ्री स्टेज प्रोग्राम बिकॉज इंडिया होस्ट रफली अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स थोरियम। द थ्री स्टेज आर एक्सपेक्टेड टू अलाउ द कंट्री कंप्लीट सेल्फ सफिशियंसी इन न्यूक्लियर एनर्जी। होमी जहांगीर बाबा ने ये थ्री स्टेज प्रोग्राम श्योर किया था इंडिया के लिए। ये इसलिए किया था क्योंकि इंडिया अबाउट 25% वर्ल्ड थोरियम को लीड करता है और ये थ्री स्टेज कंट्री के लिए कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशियंसी को श्योर करते हैं। इन द फर्स्ट इंडिया यूज्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड न्यूट्रल यूरेनियम U238 विच कंटेन मिनिस्कल अमाउंट ऑफ U235 एज फिजल मटेरियल। फर्स्ट स्टेज में इंडिया प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज कर रहा है और साथ में नेचुरल यूरेनियम इट मीन्स U238 का यूज कर रहा है। U238 के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में U235 भी कंटेन होता है। द हैवी वाटर इज प्रेशराइज टू कीप इट फ्रॉम बॉइलिंग। द रिएक्शंस प्रोड्यूस प्लूटोनियम एंड एनर्जी। हैवी वाटर को प्रेशराइज किया जाता है इसको बॉइलिंग होने से बचाया जाता है और इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है वो प्लूटोनियम 239 एंड एनर्जी इसमें से निकलती है। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पर हैवी प्रेशराइज वाटर का यूज हैवी प्रेशराइज वाटर और U238 का यूज करके प्लूटोनियम 239 और एनर्जी यहाँ पर जनरेट की जाती है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एब्जॉर्ब अ न्यूट्रॉन डी स्टेबिलाइज एंड ब्रेक इनटू टू व्हाइल रिलीजिंग सम एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर
एटम का जो न्यूक्लियर होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद इसको डिस्टेबलाइज करके ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ओनली U-235 नॉट U-238 कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन बट इट इज कंज्यूम्ड फुली इन स्टेज सेकेंड। ओनली U-235 के अंदर ही चेन रिएक्शन हो सकते हैं, जबकि U-238 के अंदर नहीं हो सकते। और ये जो U-235 है इसको सेकेंड स्टेज में फुल्ली तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है। इन स्टेज सेकेंड इंडिया विल यूज प्लूटोनियम 239 टूगेदर विद U-238 इन द PFBR टू प्रोड्यूस एनर्जी U-233 एंड मोर PU-239। स्टेज सेकेंड के अंदर क्या होगा, जो स्टेज वन का प्रोडक्ट था PU यानी प्लूटोनियम 239, इसका यूज किया जाएगा और इसके साथ में U-238 का यूज किया जाएगा। इसके बाद जो प्रोड्यूस बनेगा स्टेज सेकेंड के अंदर वो U-233 एंड मोर प्लूटोनियम 239 यहाँ पर एक प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेटअप अ स्पेशल पर्पज व्हीकल इन 2003 कॉल्ड भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से स्पेशल पर्पज व्हीकल 2003 में सेटअप किया गया था, जिसका नाम था भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। इन स्टेज थ्री PU-239 विल बी कंबाइंड विद थोरियम 232 इन इन रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड U-233। स्टेज थ्री के अंदर क्या होगा, जो स्टेज टू का जो प्रोडक्ट था यूरेनियम 239, इसको कंबाइन किया जाएगा थोरियम 232 के साथ, यानी TH-232 के नाम से इसको जानते हैं, इन रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड U-233। और यहाँ पर 233 को प्रोड्यूस किया जाएगा। हाउ डज द PFBR वर्क, PHWR यहाँ पर, ये PHWR ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। यूज नेचुरल और लो एनर्जी U-238 एज द फिजिकल मटेरियल एंड प्रोड्यूस PU-239 एज अ बाय प्रोडक्ट। PHWR जो है वो नेचुरल या फिर लो एनर्जी U-238 का यूज करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर PU-239 रिलीज होता है। दिस PU-239 इज कम्बाइंड विद U-238 इनटू अ मिक्स्ड ऑक्साइड एंड लोडेड इनटू द कोर ऑफ अ न्यू रिएक्टर टुगेदर विद अ ब्लैंकेट। द PFBR इज डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर PU-239 देन इट कंज्यूम। PFBR जो होता है यहाँ, इसका जो इनपुट कॉस्ट है एनर्जी के मामले में कंज्यूम बहुत कम करता है, जबकि प्रोड्यूस ज़्यादा करता है, PU-239 का ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इट यूजेज लिक्विड सोडियम अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस एज कूलेंट इन टू सर्किट। PFBR जो है ये लिक्विड सोडियम का यूज करता है, जो कि एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है और ये एक तरीके से सर्किट को कूलेंट करने का काम करता है। कूलेंट इन द फर्स्ट सर्किट एंटर द रिएक्टर एंड लीव्स विद हीट एनर्जी एंड रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट कूलेंट जो होता है फर्स्ट सर्किट के अंदर एंटर करता है और इसको हीट और रेडियो एक्टिविटी के साथ इसको आगे बढ़ाता है। वी आर हीट एक्सचेंज इट ट्रांसफर ओनली द हीट टू द कूलेंट इन अ सेकेंडरी सर्किट। हीट एक्सचेंज जो होता है ये फर्स्ट रिएक्टर से सेकेंड रिएक्टर एडमिट सर्किट की तरफ जाता है। द लेटर ट्रांसफर्स द हीट टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो ये हीट है ये जनरेटर के अंदर जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ स्टेज सेकेंड, स्टेज सेकेंड के क्या क्या चैलेंजेस हैं। FBRS आर हार्डर टू हैंडल देन अदर रिएक्टर डिजाइन। सबसे पहला चैलेंज है कि FBRS को हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग है, जबकि अदर रिएक्टर को हैंडल करना थोड़ा ईजी है। अदर प्रोडक्ट द थोरियम फ्यूल साइकिल प्रोड्यूस कैसियम 137, एक्टिनियम 227, रेडियम 224, रेडियम 228 एंड थोरियम 230, विच आर ऑल रेडियो एक्टिव इन वेज दैट कॉम्प्लिकेट दियर हैंडलिंग एंड स्टोरेज। दूसरा चैलेंज ये है कि थोरियम फ्यूल का जो यहाँ पर साइकिलिंग होगा और उससे जो प्रोड्यूस निकलेंगे, जैसे कैसियम 137 है, एक्टिनियम 227 है, रेडियम 224,
रेडियम 228 एंड थोरियम 230, ये सब बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं और इनको स्टोर करना हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अ वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स 6 कैंसर्स वाई इन यूज। जनवरी वॉज ऑब्जर्व एज अ सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ। एडिशनली एवरी ईयर मार्च 4 इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे। 4 मार्च जिसको हम इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी का जो पूरा मंथ था उसको सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में हमने ऑब्जर्व किया है। प्रोटेक्टिंग वुमेन्स हेल्थ इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द सर्विक्स द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटरस। बात अगर वुमेन के प्रोटेक्शन की जाती है तो इसके अंदर सर्विक्स के प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है, इंक्लूड होती है ये चीज़ कि हमें वुमेन के हेल्थ इशूज को ध्यान रखना चाहिए और उसमें सर्विक्स के प्रोटेक्शन की भी बात होनी चाहिए। ये सर्विक्स जो होता है ये यूटेरस के लोअर पार्ट में होता है। विद HPV वैक्सीनेशन वी कैन प्रिवेंट सर्विकल कैंसर दैट कैन सीरियसली अफेक्ट अ वुमेन हेल्थ। HPV वैक्सीनेशन के द्वारा हम वुमेन की हेल्थ को यहाँ पर सर्विकल कैंसर से बचा सकते हैं। एज द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन वर्ल्ड वाइड सर्विकल कैंसर क्लेम्स द लाइफ्स ऑफ मोर देन 3 लाख वुमेन एवरी ईयर, ऑफ 1 लाइफ एवरी 2 मिनट्स। वर्ल्ड के लेवल पर अगर देखा जाए तो वुमेन के अंदर 4th मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ये। बाकी इससे पहले 1, 2, 3 स्टेज पर जो होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर या फिर अदर टाइप के कैंसर है, वर्ल्ड लेवल पे 4th नंबर पे आता है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 3 लाख वुमेन एवरी ईयर डाइड हो जाती हैं इसकी वजह से। इट मीन्स यहाँ पर एवरी 2 मिनट में एक वुमेन डाइड हो जाती है सर्विकल कैंसर की वजह से। 9 out of 10 वुमेन डाइंग सर्विकल कैंसर लिव इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री। 9 में से 10 वुमेन जो कि सर्विकल कैंसर की वजह से डाइंग होती हैं वो या तो लोअर कंट्री के अंदर हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर हैं। इन इंडिया सर्विकल कैंसर इज द 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बाद इंडिया में सर्विकल कैंसर 2nd नंबर पर आता है। वुमेन के अंदर जो कैंसर होते हैं तो सबसे पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्विकल कैंसर का नंबर आता है। गिवन द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज अबाउट 500 मिलियन वुमेन अबाउट द एज ऑफ 15 आर एट रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर। कंट्री का जितना पॉपुलेशन है उसका अबाउट 500 मिलियन वुमेन जो कि 15 ईयर्स एज से ज़्यादा हैं उन्हें सर्विकल कैंसर का खतरा है। इफ देर इज नो एक्शन टेकन द नंबर ऑफ केसेज एंड डेथ्स फ्रॉम सर्विकल कैंसर आर प्रोजेक्टेड टू रिस्क सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर। अगर सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं तो ये केस और डेथ सर्विकल कैंसर की वजह से जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं फ्यूचर में। विद द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ सर्विकल कैंसर फॉर ऑल एजेस इन इंडिया इन 2040 एस्टिमेटेड टू बी 1,91,347 एंड इंक्रीज ऑफ 44% ओवर द नंबर ऑफ न्यू केसेज रिपोर्टेड इन 2020। करंट पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 2040 तक सर्विकल कैंसर के जो केस होंगे इंडिया के अंदर वो 1,91,347 तक पहुंच जाएंगे। और ये जो डाटा है ये 54% ज़्यादा होगा केस रिपोर्टेड इन 2020। 2020 के अंदर जो केस रिपोर्ट किए गए थे सर्विकल कैंसर के इंडिया के अंदर उससे 54% ज़्यादा केस होंगे 2040 के अंदर, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। स्ट्रेटेजी फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अभी तक फॉलो की गई हैं वर्ल्ड के अंदर या फिर इंडिया के अंदर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी आउटलाइन 1970 ट्रिपल पिलर इंटरवेंशन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2030 बाय एन एडिशनल फोकस ऑन हाई क्वालिटी हेल्थ केयर एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी तैयार की है और वो स्ट्रेटेजी है 1970 ट्रिपल पिलर इंटरवेंशन है और ये टारगेट रखा है कि ये 2030 तक इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर और इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज वुमेन को मिलना चाहिए। ये जो इंटरवेंशन है इसमें ये क्या है, इस इंटरवेंशन का जो डिटेल है 90% ऑफ गर्ल्स मस्ट बी, यहाँ पर 1970 का कुछ मीनिंग है, यहाँ पर 90 का मतलब है 90% ऑफ गर्ल्स मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड विद द HPV वैक्सीन बाय एज ऑफ 15 एज तक
जितना भी गर्ल्स हैं उनमें से 90% गर्ल्स को HPV वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, इसका एक टारगेट है। यहाँ पर 70 का मतलब है 70% ऑफ वुमेन मस्ट बी स्क्रीन यूजिंग हाई परफॉर्मेंस स्क्रीन टेस्ट बाय एज ऑफ 35 एंड अगेन बाय 45। 35 या 45 एज तक की जितनी भी वुमेन हैं उन वुमेन का स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाना चाहिए। इट मीन 70% वुमेन का स्क्रीन टेस्ट हो जाना चाहिए एंड 90% वुमेन डिटेक्ट विद सर्विकल प्री कैंसर एंड कैंसर लेसन्स मस्ट रिसीव ट्रीटमेंट एंड केयर। यहाँ पर 70 के बाद जो 90 है, 90 का मतलब है कि जितने भी वुमेन डिटेक्ट की गई हैं सर्विकल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें उनमें से 90% को बेटर ट्रीटमेंट और उनका केयर किया जाना यहाँ पर फिक्स किया गया है। HPV वैक्सीन इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या HPV वैक्सीन अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो किस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है? तो HPV वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 2008 के अंदर इंडिया में इस वैक्सीन का इंट्रोडक्शन किया गया था आफ्टर सफिशियंट कंट्री लेवल स्टडीज एंड सक्सेसफुल स्टेट लेवल रोल आउट। इट वॉज रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 2023। कंट्री के अंदर सफिशियंट इस प्रॉब्लम का स्टडी किया गया और स्टेट लेवल पर भी यहाँ पर सक्सेसफुल रोल आउट देखे गए हैं। बाद में रिकमेंड किया कि इस प्रॉब्लम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड किया जाना चाहिए और 2023 के अंदर इस प्रॉब्लम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया गया। एन इनिशियल अनाउंसमेंट वॉज मेड इन दिस रिगार्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री इन अर्ली 2023 एंड रिसेंटली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर एंट्रिम बजट स्पीच। 2023 के स्टार्टिंग में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सर्विकल कैंसर जो प्रॉब्लम है इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था और अभी करंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर का अंतरिम बजट स्पीच आया है उसमें भी इसको कहीं ना कहीं सीरियसली लिया गया है। द वैक्सीन नाउ अवेट्स अ नेशनल लॉन्च। अभी जो वैक्सीन है अभी नेशनल लॉन्च इसको नहीं मिला है इस वैक्सीन को पूरी तरह। रिसर्च इंडिकेट दैट द HPV वैक्सीन इज नॉट वाइडली एक्सेसिबल टू ऑल गर्ल्स अक्रॉस इंडिया। करंटली इट इज अवेलेबल इन प्राइवेट मार्केट एट अ सिग्निफिकेंट आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट। अभी HPV वैक्सीन वाइडली तरीके से ऑल गर्ल्स के लिए इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है। करंटली अगर देखा जाए तो प्राइवेट मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉकेट कॉस्ट रखता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू स्ट्रगल टू फोस्टर फ्री एंड फेयर ट्रेड। वाई इन यूज दैट लेटेस्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी कंक्लूडेड लेट ऑन फ्राइडे विद प्रीसियस लिटिल प्रोग्रेस ऑन की इशूज दैट अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड। अभी कुछ दिन पहले यानी फ्राइडे तक या फ्राइडे से पहले ये जो WTO का जो एपेक्स बॉडी है डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका 26 फरवरी के आसपास अबू धाबी के अंदर एक मीटिंग हुआ है और ये जो मीटिंग हुआ है ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे इशूज से रिलेटेड ये मीटिंग हुआ है। सम पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स रहे हैं। नंबर वन, ई कॉमर्स टैरिफ मॉरेटोरियम एक्सटेंडेड। द मेंबर ऑफ WTO एग्री टू एक्सटेंड द मॉरेटोरियम ऑन ई कॉमर्स टैरिफ फॉर 2 more years। WTO के सभी मेंबर इस बात पर एग्री हुए हैं कि जो मोरेटोरियम ई कॉमर्स टैरिफ का जो मोरेटोरियम है उसको 2 year के लिए बढ़ाया जाए और इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर मोरेटोरियम का मतलब है कि जो टैरिफ लगता है ई कॉमर्स जो कंट्रीज के बीच में होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको नहीं लगने देना है, उसको रोकना है, मोरेटोरियम करना है उसको। इंडिया इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका हैड सिग्नल्ड देयर ओपोजिशन टू रिन्यूइंग द ई कॉमर्स मोरेटोरियम बट सपोर्टेड इट इन द एंड। पहले इंडिया इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका ये चाहते थे कि इसका रिन्यू नहीं किया जाए तो बाद में लेकिन वो एग्री हो गए थे। स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आउटकम रहा है इस मीटिंग का वो ये रहा है कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ किया गया है। मेंबर्स प्लीज टू अपहोल्ड एंड एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम विद द WTO एज इट्स फाउंडेशन टू एड्रेस प्रेजेंट ट्रेड चैलेंजेस। प्रेजेंट ट्रेड चैलेंजेस जो भी हैं उसको एड्रेस करने के लिए मल्टी लेटरल ट्रेडिंग सिस्टम की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए यहाँ पर कंट्रीज ने प्लीज किया है। चैलेंजेस रिमेन कंटिन्यू। अभी भी कुछ चैलेंज हैं जो कंटिन्यू बने हुए हैं जो इस मीटिंग में सॉल्व नहीं हो पाए हैं। पहला चैलेंज है इंडिया फूड सिक्योरिटी चैलेंज। इंडिया रिक्वेस्टेड फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द
पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू फॉर फूड सिक्योरिटी एट मिनिस्टर मीटिंग। इस मिनिस्टर मीटिंग में इंडिया ने फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स की से रिलेटेड जो परमानेंट प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट किया है इंडिया ने। इंडिया सेट दैट रिजॉल्विंग द पेंडिंग इशूज ऑफ PSH इज क्रूशियल फॉर अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस। इंडिया ने कहा है इस मिनिस्टर मीटिंग के अंदर के PSH से रिलेटेड जितने भी इश्यूज पेंडिंग हैं उसको सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके सॉल्व होने से ही फूड सिक्योरिटी को अचीव किया जा सकता है और मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिशरीज सब्सिडीज जो अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील एम्फसाइज देयर कमिटमेंट टू डिस्कशन ऑन फिशरीज सब्सिडीज एज द वेस्ट अटेम्प्टेड टू बैन सच सब्सिडीज। ब्राजील का कहना है कि फिशरी सब्सिडी के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, बट यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते कि फिशरीज के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। फिशरीज सब्सिडीज इंपॉर्टेंट फॉर सब्सटेंशियल फिशिंग प्रैक्टिसेस ग्लोबली। ग्लोबली फिशिंग प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए फिशरी सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 US ऑब्स्ट्रक्शनिज्म इन WTO। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मेंबर टू द एपिलेट बॉडी हैज बीन यूनिलैटरली ब्लॉक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है कि अगर इस बॉडी के एपिलेट WTO के एपिलेट बॉडी के अंदर अगर न्यू मेंबर को अपॉइंट करना है तो इसमें यूनाइटेड स्टेट हमेशा एक ब्लॉकिंग का काम करता है। द बॉडी वॉज सपोज टू बी रिफॉर्म्ड बाय 24 बट दैट डेडलाइन हैज बीन मिस्ड। जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है इसको 2024 तक रिफॉर्म करने का प्रोमिस किया गया था पहले, बट ये डेडलाइन भी वेस्टर्न या फिर US के ओपोजिशन की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहा है। इट मीन्स इसके अंदर जो रिफॉर्म होने चाहिए थे वो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।